आपको याद होगा हमने तब ये कहा था कि हमने सरकार को दो इश्यूज के ऊपर प्रोटेस्ट किया था कि सरकार, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन दोनों इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर, क्योंकि जीएसटी का जब हमने हमारी ही स्टेट में ऐसे हिस्से में, क्योंकि हमें पूर्णतः विश्वास था कि जीएसटी लगने से चीजों के रेट यूनिफॉर्म, हमारी सरकार ने जब जीएसटी लगवाना था तब तो हमसे सपोर्ट आने से चीजें महंगी हुई हैं, जो लखनपुर के ऊपर आज भी आप देखेंगे हम जो जनून काम मत करने वाले, हमारी जो सरकार है वो पूरे तरीके से व्यापारियों के मुद्दों के ऊपर बात नहीं कर रही है। तो ऐसे में मैं आपको वाजे तौर पे कहना चाहूंगा कि चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन ने आज तक कभी जम्मू बंद की कॉल नहीं दी है, लेकिन आज हम आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं हमारे सभी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को, सिविल सोसाइटी को, और जो भी पॉलिटिकल बॉडीज हैं जो जम्मू के हित के बारे में सोचती हैं, हम उन सबसे आह्वान करना चाहते हैं कि चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन, जिसने हमेशा सेक्रेटरिएट खुलने का जम्मू में वेलकम किया था, आज पहली बार हमें दुखी हृदय से कहना पड़ रहा है कि हम 6 तारीख को जम्मू बंद करेंगे, और जम्मू उस दिन ऐसा बंद होगा जो आज तक जम्मू की हिस्ट्री में बंद नहीं होगा। और ये मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा, जितने भी कॉन्शियस लोग हैं वो हमारे साथ आए, क्योंकि हमने आज तक कभी भी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात की है, हमने कभी भी पॉलिटिक्स में, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, खासकर सीटीएफ ने आज तक कभी भी अपने आप को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं किया है, लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सरकार ने हमारे इश्यूज को बहुत लाइटली लिया है, और इससे एक आम आदमी जो है, मैं भी एक कंज्यूमर होने के नाते त्रस्त हूं, मैं क्यों अपनी चीज घर में महंगी खरीद के जाऊं, जब जीएसटी मेरे देश में लगा है तो उसका बेनिफिट मेरे हर कंज्यूमर को, हर सिटीजन को मिलना चाहिए।